मसले में सुप्रीम कोर्ट अब 18 अक्टूबर के बाद कोई सुनवाई नहीं करेगी, यह बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने आज स्पष्ट कर दिया। साथ ही 4 हफ्ते में निर्णय आने का चमत्कार के रूप में बताया। यह खबर आते ही अयोध्या के संतों में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक आशा प्रबल हो गई। संत समाज सीजेआई के इस निर्णय का स्वागत कर गदगद महसूस कर रहा है। वहीं बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी भी इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। इकबाल अंसारी का कहना है कि कोर्ट आज ही फैसला कर दे, इस फैसले को मानने के लिए तैयार है। वह अब इस फैसले को लेकर कोई राजनीति नहीं करना चाहता और न ही फैसले को लटकाना चाहते हैं। अयोध्या के संत समाज भी राम मंदिर को लेकर आशा के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महापंडित गोपाल दास का कहना है कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर कोई संशय नहीं है। राम के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, अयोध्या की सुंदरता उसका अस्तित्व भगवान श्री राम से ही है। यदि कोई प्रमाण दे कि राम का जन्म कहीं और हुआ है तो बताएं। आज जहां श्री राम विराजमान है वहीं उनका जन्म स्थान है, उस पर कुछ कहना मूर्खता और अज्ञानता ही होगा। वहीं श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने सुप्रीम कोर्ट को 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी करने की डेडलाइन का स्वागत किया, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दिया। आचार्य सत्येन्द्र दास का कहना है कि अयोध्या मसला जटिल है, संविधान पीठ के पैनल को सुनवाई के लिए धन्यवाद है। अब नवम्बर तक फैसला आने की आशा संत समाज रख रहा है। अयोध्या विवाद पर निर्णय आया तो ऐतिहासिक निर्णय होगा। सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था वह किसी को समझ नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट सोचबूझ से निर्णय देगा, संतों का यह विश्वास है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के महज 10 दिन बचे हैं। 18 अक्टूबर के बाद फैसले की घड़ी होगी, जिसका संत समाज इंतजार कर रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, जिस प्रकार से इतने लंबित केस को और यहाँ ये पैनल बना करके और इसकी सुनवाई प्रतिदिन हुआ है, इसके लिए हम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से उसका निश्चित तारीख कर दिया है कि इसकी सारी सुनवाई जो है वो 18 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद से जो इनको आदेश देना है वो हो जाएगा। इसलिए आशा किया जाता है कि नवंबर तक ये आदेश हो जाएगा। और जैसे जिस तत्परता से जज लोगों ने इसको दिखाया है और इसको सुनवाई किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण और धन्यवाद के पात्र हैं। इनके इस बेंच के बीच में यदि इनके यह निर्णय हो जाता है तो एक ऐतिहासिक निर्णय होगा, क्योंकि यह विवाद जो है बहुत जटिल और सबके समझ में नहीं आया, जटिल रहा, जिसके कारण से हाई कोर्ट ने तो एक रास्ता निकाला लेकिन वो भी बंटवारा करके किया, जो बंटवारा किसी को समझ में नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत समझ सूझबूझ के समझ से यह निर्णय करेगा। इसलिए इतने हैं वो भगवान राम के होने का प्रमाण मिला है, उन्होंने कहा 18 अक्टूबर तक इसमें हर कीमत पे सुनवाई पूरी कर दी जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। अरे भगवान प्रमाण की जरूरत नहीं है, अयोध्या का अस्तित्व, अयोध्या का महत्व, अयोध्या की क्यों है, भगवान राम के नाते अयोध्या है। इसलिए राम के अस्तित्व के लिए और राम के विषय में कुछ भी कहने के लिए और विचार करके सोच करके कहना चाहिए। भगवान राम यहाँ अयोध्या के घटेट में जन जन में व्याप्त विराजमान है, भगवान राम की जन्मभूमि है, सारी प्रमाण की उसमें जरूरत ही क्या है। और कोई बता दे कहाँ जन्म हुआ है तब हम मानने के लिए बात पर विचार करेंगे। एक मात्र जहाँ रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है, उसके विषय में कुछ कहना मूर्खता और अज्ञानता का परिचय। देखिए, सवाल बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का है। ये जो है कोर्ट ने कहा है कि 18 तारीख तक फैसला आ जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से ये मसला सुप्रीम कोर्ट में रहा। अगर 18 तारीख से पहले आज हो जाए, अभी हो जाए, हम उसको मानेंगे। हमें चाहते हैं, हम इसको लटकाना नहीं चाहते, न इससे हम राजनीति करते हैं, ना कोई मेरा जो है लटकाने का कोई मतलब है। अगर कोर्ट फैसला करता है आज करे चाहे अभी करे, हम उसको मानेंगे।